इस वक्त देख सकते हैं कि मुरादनगर के दूसरी तरफ भी एक उखराल सी गांव है, वहां के जो मेंबर है वो हमारे साथ हैं मृतकों के। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर विधायक साहब अब कैसे जागे हैं, क्योंकि सांसद और विधायकों का आना बहुत जरूरी था, क्योंकि ये बड़ा एक बहुत बड़ा हादसा था। क्योंकि आप देख सकते हैं इस हादसे ने पूरे देश भर को हिला कर रख दिया है। इस हादसे में काफी लोगों की नहीं 23 लोगों की जान गई है और काफी लोग गंभीर है हालत में अस्पताल में भर्ती है। आपका नाम क्या है? यशदीप। यशदीप हाँ। कौन है आपके? मेरे पिताजी। आपके पिताजी हाँ। हैं। तो अब आप यहाँ पर लेकर आए हैं, क्या हाँ। मांग है सरकार से? मांग हमारी हर घर में जिंदगी घर में हुई है, सबके बालकों को सरकारी नौकरी और उनके घर को मुआवजा मिलना चाहिए। 50 लाख रुपए मुआवजा मिलना चाहिए नगद, बिल्कुल अभी के अभी। योगी सरकार ने कहा है कि 2-2 लाख मिले, 2-2 लाख में कुछ नहीं होने का। मैं बता रहा हूँ मैं 12वीं क्लास में, मेरी छोटी बहन 11वीं क्लास में। एक साल की फीस नहीं, 2 लाख रुपए ट्यूशन बढ़ते कौन भरेगा फीस? 2 लाख में हो जाएगा हमारे, बताओ 2 लाख में हो जाएगा? कौन कमाते घर में हमारे? जो कमाते हो मर गया, क्या कर रहे बताओ तुम? अब क्या कर रहे हैं? हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे। जिस तरीके से 5 लोगों पर कार्रवाई की गई है, क्या आपको लगता है कि वो कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं, सस्पेंड किया गया, कुछ नहीं, वापिस जाएंगे, पैसा भरा, कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं उनका। आप लिखित में यहाँ एटीएम को देंगे? कोई नहीं ले रहा, ले नहीं रहा कोई भी, जो बोल रहे हो कर ही नहीं रहा कोई भी। अरे ये वो ठिकाने पर कुछ नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे। बुलाओ इनको, जिस वो बोले योगी को बुलाओ यहाँ पे। ये तत्काल में फैसला होना चाहिए। सभी बेरोजगार हैं, कमाने वाला एक ही घर में सदस्य है, ये 2 बच्चे थे, ये पढ़ने वाले बच्चे हैं, इनके घर का मकान भी नहीं है, हालात बहुत खस्ता है इनके, बहुत ज्यादा ही। आप इनका समर्थन ऊपर तक पहुंचाएं और ये तत्काल में फास्ट ट्रैक में एकदम अभी के अभी क्रम में होना चाहिए। 50 लाख और एक सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए मुख्यमंत्री। कमाने वाला झूठे हैं, नीचे वाले सब झूठे, सब झूठे, नीचे वाले सब झूठा आश्वासन देते हैं। रोरी वालों को कुछ नहीं मिला, मोदी नगर वालों को सब धक्के खा रहे हैं, और उस अंतिम संस्कार होने के बाद में लाश होगा, सब ये सब भूल जाएंगे, सब चक्कर कटाएंगे, सबको पब्लिक को किसी को कोई मुआवजा नहीं देंगे। यहाँ योगी आवे जब भी फैसला होगा, योगी से नीचे कोई फैसला नहीं होगा। इनकी मांग जो है वो अभी भी यही है कि वो अधिकारियों को बोले या वो आश्वासन न दे, वो पूरे पूरी कार्रवाई करे। वही आपको मैं पीछे दिखाना चाहता हूँ कि इस वक्त जो है विधायक अजीत पाल त्यागी आ चुके हैं और वो परिजनों से बातचीत कर रहे हैं, और यहाँ पे जो परिजनों को समझाया जा रहा है, क्योंकि NH 54 पे इस वक्त आप देख सकते हैं ये पूरा रोड जाम कर दिया गया है, और यहाँ पे भारी तादाद में जो है परिजन और आसपास के जो गांव के लोग हैं वो लोग इकट्ठा हो चुके हैं, और ये लोग पूरी बात अपनी मांग मंगवा रहे हैं। क्योंकि मुरादनगर शहर में जो सबसे बड़ा ये हादसा हुआ है, कम नहीं 23 लोगों की जान गई है और काफी लोग अभी भी गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है, लेकिन अभी भी सरकार जो है इस चीज को ले नहीं रही है सीधे से, क्योंकि डीएम साहब का यहाँ आना अभी भी परिजनों को खल रहा है। मुरादनगर शहर की खबर ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है, वहीं प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति तक ने भी ट्विटर पे इस बात का खंडन किया है और निंदा भी की है। वहीं मुख्यमंत्री जी ने मृतकों को 2-2 लाख रुपए का पैकेज देने की बात कही थी, लेकिन परिजन आज जो है सुबह मुरादनगर में यहाँ पर अपनी मांग को लेकर बैठ गए हैं, शवों को लेकर। और आगे अब हम उनसे बात करते हैं कि अधिकारियों से उनकी क्या बातचीत हुई है और क्या मसले निकले हैं इस मामले में। हमारी बात यह हुई है, यहाँ मौके पर SDM साहब मौजूद थे, ADM साहब मौजूद थे, और मुरादनगर कोतवाली थाने से CO साहब मौजूद थे। मेरी उनसे ये बात हुई है कि मैंने उन्हें एक ज्ञापन दिया है अपना, इसमें मैंने ज्ञापन में लिखा है कि मैं 15 लाख रुपए और एक सरकारी नौकरी घर में किसी एक परिजन को सरकार से मांग करता हूँ कि उन्हें दें। तो हमने देखा है कि DM साहब यहाँ नहीं थे, बाकी अधिकारी नहीं थे, चेयरमैन विधायक यहाँ नहीं थे, तो उस बात को लेकर आप क्या सोचते हैं? इन्हीं लोगों की ये लापरवाही है, शासन और प्रशासन दोनों की लापरवाही है, इसी वजह से अपना मुंह छुपा रहे हैं। इन पर सख्त कार्रवाई की जाए, जो भी नहीं, इसमें छुपा रहे हैं ये लोग, इसी वजह से मुंह छुपा रहे हैं, नहीं तो इन्हें यहाँ मौजूद होना चाहिए था। छोटी मोटी घटना नहीं है, साल की शुरू की सबसे बड़ी घटना, पश्चिम उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी घटना है। जिस तरह से दिखाया गया है कि 5 लोगों पर कार्रवाई कर दी गई है, वो साफ संतुष्ट है? 3 लोग पकड़े गए, 5 झूठ बोला जा रहा है, 3 लोग पकड़े गए जी। किस तरीके से यहाँ जो है परिजन जो है अभी अपनी मांग को लेकर हैं, लेकिन वो इस बात को लेकर संतुष्ट नहीं है, उन्होंने अपनी मांगे मानी है और उन्होंने सीधे साफ तौर पे कहा है कि वो 15 लाख रुपए और एक सरकारी नौकरी का मांग करते हैं, और उस पर कार्रवाई करके उन्होंने साइन वगैरह किए हैं। वही अभी परिजन वापस अपने शवों को लेकर वापस चले गए हैं, आप देख सकते हैं। अब जो है रास्ता खोल दिया गया है, ये पूरे प्रशासन तौर पर आप देख सकते हैं, प्रशासन भी पूरा मुस्तैद है, और अब जाकर जो है 2 घंटे के बाद जाकर जो है ये जाम खोल दिया गया है।